मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक स्त्री जातिका की कुंडली पर विचार करेंगे जिसमें बहुत ही अच्छे शुभ योग है लेकिन एक थोड़े से पितृदोष की वजह से उसको पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। विचार करेंगे हम जातिका की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से हंस महापुरुष योग भी है, अमला कीर्ति योग भी है और विशिष्ट सैनी के मकान का योग भी है और स्थिर स्थायी रूप से लक्ष्मी वास का भी योग है। ऐसे जातिका के पास माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दर्शकों विचार करते हैं आपका लगन, ये लगन का भाव है, इसका स्वामी लग्नेश है। दिव्य भाव धन का भाव है, ये दसम भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, ये केंद्र है, त्रिकोण है। जातिका की कुंडली में हंस महापुरुष योग है। हंस महापुरुष योग कब बनता है? जब केंद्र में प्रथम भाव में या लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में और गुरु अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वयं की राशि में हो तो हंस महापुरुष योग बनता है। और जैसा बताया गया है कि हंस महापुरुष योग इनको विशिष्टता प्रदान करता है। उसके बाद अमला कीर्ति योग, अमला कीर्ति योग कब बनता है? लगन से केंद्र में, लगन से दसम भाव में। अमला कीर्ति योग लगन से दसम भाव में और जहां पर चंद्रमा है उससे भी दसम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो अमला कीर्ति योग बनता है और उसके सम्मान में चार चांद लग जाते हैं। अगला विचार करेंगे दशमेश और चतुर्देश, दसम भाव का स्वामी कुंडली कोई भी हो, दसम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी किसी केंद्र में हो, ये केंद्र है चार, ये केंद्र है चार, या त्रिकोण में हो, ये दो त्रिकोण है। चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी केंद्र में हो, एक दो तीन चार ये केंद्र है और ये त्रिकोण है, तो ऐसे बालक को विशिष्ट श्रेणी का मकान मिलता है। बहुत ही अच्छे दर्जे का उसको मकान मिलता है जो कि विशेष सैनिक का होता है, चार दीवारी, अच्छे सब आलिशान बंगले के माप मकान मिलता है। जाति के कुंडली में जो हम लक्ष्मी योग बताने जा रहे हैं, द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में अगर उच्च राशि में हो तो अटूट और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। वह सिर्फ एक ही जगह होता है, जहां पर मेष राशि होगी तो मंगल मकर राशि में उच्च का होगा। बाकी आपकी कुंडली में अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर नौ भाव में भी उच्च का भी हो तो भी धन योग बनता है, उसको धन की कोई कमी नहीं रही, यह भी विचार करेंगे। दर्शकों धन योग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यह आर्थिक योग है, सबको धन चाहिए और जीवन यापन के लिए धन का तो बोलबाला है, बिना धन से तो कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आप भूल जाओ किसी भी लगन की, आप कागज पेंसिल लेकर के नोट कर लो, सात ग्रह राहु केतु को छोड़ करके सात ग्रह में से लगन से एकादश भाव में कोई भी ग्रह होने दो, शत्रु राशि में भी होगा तब भी कुछ ना कुछ देगा, लगन से एकादश भाव में हो और जहां पर आपका चंद्रमा है उससे भी इसी तरह से एकादश भाव में ग्रह हो तो उसके पास कितना भी शत्रु राशि हो, कितना भी पीड़ित हो तो धन के बिना उसका कोई काम रुकता नहीं, धन आता रहता है। इन्हीं बातों पर हम विचार करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली पर। जातिका का जन्म 29/11/1984 को हुआ, शुक्ल पक्ष सात, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, धनिष्ठ नक्षत्र चरण तीन गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ, मीन लगन के 20 डिग्री विराजमान है और द्वितीय भाव में राहु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर अष्टम भाव में शनि उच्च राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है, नवम भाव में सूर्य 13 डिग्री लेकर के विराजमान है, केतु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है, दसम भाव में शुक्र 24 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर गुरु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर बुध 4:56 लेकर के विराजमान है। इस जातिका के दसम भाव में तीन शुभ ग्रह हैं, एकादश भाव में उच्च राशि में मंगल 16 डिग्री लेकर के विराजमान है
और द्वादश भाव में चंद्रमा 3 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, मीन लग्न वाले चाहे कोई जाति का हो या जातक हो, इनका इस स्वामी गुरु होता है, इनकी ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, ये सामाजिक दूरियों में जकड़े रहते हैं, मतलब कहने के समाज के रीति रिवाजों को बिल्कुल पालन करते हैं कट्टरता से, और बातचीत करने की इनकी एक अच्छी कला होती है। इनके पास धन आता तो है लेकिन थोड़ा सा टिकता कम है। ये धर्म पालक भी कहे जाते हैं, अतिथि सेवक कहे जाते हैं और आत्मविश्वासी हैं। बेकार का खर्च इनको पसंद नहीं, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में ये अपने पूरी मेहनत लगा देते हैं, और न्याय का पक्ष लेने वाले, कानून का सम्मान करने वाले, और इनके साथ अगर कोई दुष्ट व्यवहार भी करे तो उसके बदले में ये अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। लग्नेश दशम भाव में है। जब लग्नेश दशम भाव में होता है, कोई भी कुंडली का लग्नेश ये लग्न का स्वामी दशम भाव में होता है, तो उसको समाज में सम्मान मिलता है, माता पिता का परम भक्त होता है, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, राजपक्षे लाभ होता है, सुशील समझदार, भाग्य हमेशा साथ देता है, धन और कुटुंब का उसको अच्छा सुख मिलता है। लग्नेश दशम भाव में होने से यहां पर गुरु है, यहां पर कुंडली में गुरु है, तो गुरु लग्नेश है, पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। अगर गुरु यहां पर है दशम भाव में और पंचम दृष्टि से दृष्टि भाव को देख रहा है, तो उसकी वाणी में इतनी इतनी उसकी शक्ति होती है, अगर किसी से कोई कलह भी होता है और उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया तो वह तथास्तु बन जाता है, उसकी वाणी ऐसी तीव्र होती है, वो दुखी में कोई ऐसा अपशब्द निकाल भी दिया शत्रु पक्ष के लिए तो तथास्तु हो जाता है, उसका प्रभाव एकदम मिल जाता है। लग्नेश सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखा, सभी प्रकार के सुखों का मिलेंगे। लग्नेश नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है और शत्रुओं पर प्रभाव होगा उसका, ऐसे जातक का दिव्य दृष्टि मानी गई है। ऐसा जातक हुकूमत पसंद होगा, हुकूमत करने वाला होगा, जिसको हम कुल देवता भी कह सकते हैं, यशस्वी सुखी और हिम्मत वाला अपने समाज में घर में सम्मान की प्राप्ति प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य छठे भाव का स्वामी और नवम भाव में है, भाग्य में वृद्धि तो करेगा, तो मित्र राशि में है, भाग्य में वृद्धि तो करेगा और धर्म का पालन करने वाले भी होगी, परंतु छठे भाव का स्वामी है, कुछ ना कुछ कठिनाई भी होगी, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्ति होगी, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्ति करेगा, भाई बहनों से मधुरता कम होगी, क्योंकि तीर्थ भाव को देख रहा, शत्रु राशि के देख रहा है, भाव भाई बहनों से टकर। यहां पर सूर्य केतु से पीड़ित है, ये सूर्य यहां पर केतु से पीड़ित है और शापित कुंडली बन गई है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है, द्वादश भाव खर्च का भाव है और पंचम भाव बुद्धि विद्या और संतान का भाव है। बुद्धि विद्या के पक्ष में जिस बुद्धि विद्या को जितना भी खर्च किया जाएगा उतनी तीव्रता बढ़ेगी, तो बुद्धि विद्या के पक्ष में अच्छा उसका योग है। संतान के उसमें कई प्रकार की संतान थोड़ा सा साथ नहीं देने वाली या योग नहीं मिलने वाली या कैसे भी कहो, और थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिलेगा, लेकिन बुद्धि पक्ष में अच्छा रहेगा। क्यों? द्वादश भाव खर्चे का भाव है, हम बुद्धि को विद्या को जितना खर्च करेंगे उतनी मंज करके एकदम अच्छी हो जाएगी। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में उच्च राशि में है और मंगल अपने भाव को चतुर्दृष्टि से देख रहा है। प्राचार्य जी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जातक के घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि का हो गया और एकादश भाव आमदनी का भाव है और मंगल द्वितीय भाव धन का कोष है, उस धन को जोड़ रहा है, जाति का धन का संग्रह कर पाएगी। मंगल सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, पंचम भाव को शिक्षा संतान में अवरोध देगा। मंगल अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं पर प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और बुध गुरु के साथ है और शुक्र के साथ है, दशम भाव में गुरु है।
दशमेश और चतुर्मेश केंद्र और त्रिकोण में हो विशेष प्रकार का घर मिलता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी कहीं पर भी केंद्र में हो तो ऐसे बालक को विशिष्ट श्रेणी का मकान की प्राप्ति होती है, और ये तो दशम भाव में ही है, तो ऐसे जातक को विशिष्ट श्रेणी का मकान प्राप्त होगा। बुध सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, माता का सबका सुख का कोई सोचने वाली बात ही नहीं। हां, क्योंकि तो बुध सप्तम भाव का स्वामी भी है और दशम में है, तो ऐसे जातक का जीवन साथी इनकी बात कम ही सुनेगा, क्योंकि यह भी एक नियम है, अगर सप्तमेश दशम भाव में हो अरे तो जीवन साथी सुनता ही नहीं, वो कितना भी बोलती रहे सुनने वाले ही नहीं। ये तो बात आएगी, ये तो अवश्य आएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। सुख आदि में थोड़ा सा फर्क डाल सकता है, परंतु शुभ ग्रह है, आयु अच्छी होगी, दशम भाव में है, आयु अच्छी होगी, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, भूमि मकान का अच्छा सुख होगा, कोई कमी नहीं होगी, और शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, शुक्र सुख पर भाव में है, दाम्पत्य सुख का कारक है, भौतिक सुखों का दाता है, सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे, थोड़ा सा त्रुटि रहेगी वो एक अलग बात है, जो अष्टमेश है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव में उच्च राशि में है, आयु में वृद्धि होगी, विशेष आमदनी के भाव को देख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है और केंद्र पर भाव एकादश भाव पर है, तो अच्छी आमदनी भी देगा और व्यवसाय में भी उसको ठीक रहेगा। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से यहां पर शनि कुटुंब और धन के भाव को देख रहा है, यहां पर परेशानी थोड़ी सी देगा, परंतु शनि के 27 डिग्री है, वृद्ध अवस्था में है और गुरु बलवान है, गुरु लग्नेश है, तो जहां पर गुरु देख रहा है वहां पर दूसरा कोई ग्रह देखेगा तो उसका प्रभाव निष्फल हो जाता है, क्योंकि गुरु लग्नेश है और शनि से बलवान है। शनि दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु तृतीय भाव में पराक्रम का धनी है, आवश्यकता प्राप्त करने के लिए बहादुरी से काम लेता है, भाई बहनों के पक्ष में उसको थोड़ा सा संतोष रहता है, नहीं होता। सप्तम दृष्टि से यहां पर राहु भाग्य की थोड़ी सी हानि करता है, और राहु पंचम दृष्टि से यहां पर थोड़ा सा जीवन साथी को रोगी बना सकता है। नवम दृष्टि से राहु एकादश भाव को देख रहा है, मृत की राशि है, उतार चढ़ाव देगा, धन देगा। अब बात करते केतु की। केतु नवम भाव में है, भाग्य की हानि करेगा, धर्म के पालन में उसको कठिनाई होगी, घोर संकट होंगे और यश में काफी कमी की बात आएगी। पंचम दृष्टि लगन भाव पर देख रहा है, दिमाग में गर्माहट आएगी, पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रम ही होगा, और नौ दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहा, शिक्षा संतान में अवरोध आएंगे। ये मैंने आपको बताया, नॉर्मली साधारण तौर पर मैंने आपको बताया। अब देखिए दर्शकों, हंस महापुरुष योग लग्नेश दशम भाव में अपनी राशि में है, गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है, ऐसे जातक को विशिष्टता प्रदान होगी, विशिष्ट सम्मान प्राप्त मिलेगा। अमला कीर्ति योग दशम भाव में तीन शुभ ग्रह शुक्र बुध गुरु, जहां पर सप्तमेश अष्टमेश को भूल जाओ, दशम भाव में तीन शुभ ग्रह अमला कीर्ति योग बना रहे हैं लगन से दशम भाव में। दूसरी एक और बात दर्शकों, दशम भाव उपचय भाव है, उपचय का मतलब है धन को संग्रह करना, उपचय भाव, तीसरा भाव उचका है, छठा भाव उचका है, दशम भाव उचका है, एकादश भाव उचका, तो तीन ग्रह दशम भाव में हो गए तो धन को इकट्ठा करने वाली, एकत्रित करने वाली ये जातिका होगी। उच्च भाव में शुभ ग्रह तो धन एकत्रित हो जाता है। अमला कीर्ति योग तीनों ग्रह अमला कीर्ति योग बना रहे हैं। जितेश एकादश भाव में उच्च राशि में, द्वित भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में है, तो स्थिर लक्ष्मी माता का वास होगा, इसके पास लगन की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर मैंने आपको बताया, आपकी कुंडली किसी भी लगन की होने दो, लगन से एकादश भाव में और चंद्रमा से एकादश भाव में, लगन से एकादश भाव में मंगल है और चंद्रमा से एकादश भाव में तीन तीन शुभ ग्रह है, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह होने दो, उसे पाप ग्रह होने दो,
होना चाहिए चंद्रमा से एकादश भाव में, तो उसके पास धन का आना जाना लगा रहेगा, उसको कभी परेशानी नहीं होगी। लगन से और चंद्रमा लगन से कोई भी ग्रह हो राहु केतु को छोड़ करके, तो उसको धन की परेशानियां नहीं आएंगी, आवश्यकता अनुसार धन आ जाएगा। दर्शकों, इतने अच्छे इस योग शुभ योग मैंने आपको बताए, लेकिन जितनी मैंने शुभता बताई उनमें उस जातिका को नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं लेकिन उसके अनुपात में नहीं मिल रहे। आप भी देखिए कितना अच्छा कुंडली का, क्यों नहीं मिल रहे हैं? सूर्य पीड़ित है। दर्शकों, ये एक बात याद रख लो, किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित होगा और सूर्य पीड़ित होगा, वह अधिकारी नहीं बनेगा, कर्मचारी बनेगा, मतलब उसके सम्मान में कमी आ जाएगी, वो राजयोग उसको पूर्ण रूप से फल नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे लेकिन उतना नहीं देंगे जितना गृहस्थी है। और सूर्य के साथ जब केतु आ जाता है तो हमारे विद्वानों का मत है कुंडली शापित हो जाती है, ऐसी जातिका को शापित को दूर करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, सूर्य को रोज आना, उसको जल देना चाहिए, तो ये इतने भी अच्छे ग्रह हैं और शुभता देंगे। आंशिक काल सपयोग है, राहु केतु के बेल्ट में पूरे ग्रह है, शनि बाहर है, आंशिक काल सपयोग है, आंशिक काल सपयोग की समय समय पर उपाय करते रहना चाहिए तो यह जातिका अच्छी तरह से चमकेगी। स्थाई लक्ष्मी का वास, विशिष्ट श्रेणी का घर, सम्मान दिलाने वाले अनेक योग, परंतु पितृदोष, परंतु लग गया और जहां लेकिन बट पंतु लग गया तो कहीं ना कहीं शंका समाधान की बात हो गई। मैंने आज एक होनहार जातिका की कुंडली का विश्लेषण करके उसमें कितने अच्छे योग बताए हैं, आपके भी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे योग हो सकते हैं, आपका मार्गदर्शन किया। आप अगर समझते हैं कि इस मेरे इस वीडियो से किसी का मार्गदर्शन होता है तो मैं जो अवश्य कहूंगा आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आप, ताकि और दूसरों का भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल संदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो ऋषि के संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो ऋषि के संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी रहसान करने के लिए बेहतर, जो ऋषि को मिलता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा किए हैं परेशानियों के जवाब, इसी तरह से कुंडली बना करके आपका विश्लेषण करता है, जरूरत है आपको संपर्क करने की। मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूं, आप कमेंट्स में लिखिए, अपनी जन्म की डिटेल लिखिए, आपको क्या परेशानी है, पूरा तो विश्लेषण नहीं हो सकता लेकिन आपने आपकी परेशानी का तो एक वीडियो बन करके 10-15-20 मिनट में जो हो सकता है वो तो आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे, आपको अच्छा लिखा तो भी अच्छा लिखे, खराब लिखा तो भी लिखे, वो भी मेरा ज्ञानवर्धि में सहायक होगा। फिर कहूंगा दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।